हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी, मैंने ये यहाँ मूंग लिया है, देखिए साबुत है मेरे पास मूंग। मैंने यहाँ 250 ग्राम्स मूंग लिया है, इसकी मैं घूगनी आज बनाऊंगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे मुझे बनाना है। ये मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाई है और इसे मैंने पहले से हीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें मूंग डालूंगी। हमें इसे 2 मिनट के लिए भूनना है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी घूगनी अच्छे से भून चुकी है। 2 मिनट सिर्फ मैंने इसे भूना है। अब मैं अपना चूल्हे का फ्लेम ऑफ करूंगी और अब मैं इसे एक बॉल में निकालूंगी। तो यहाँ मैंने सारे मूंग को निकाल लिया है इस बॉल में। देखिए, अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूंगी, उसके बाद मैं इसे कुक करूंगी। मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे मूंग को अच्छे से धो लिया था। अब यहाँ मैं सबको, यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, मैं सब मूंग को इसमें डालूंगी। और अब मैंने 250 ग्राम्स मूंग लिया है तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगा। 1.5 कप पानी इसमें डालूंगी। और अब मैं यहाँ ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून, मैंने इसमें हल्दी डाला है, 1 टीस्पून नमक, 6 से चला के मैं, अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूंगी, इसका लिड लगा के मैं इसे 3 सीटी आने तक कुक करूंगी। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने इसे कुक प्रेशर कुकर में डाल के चढ़ा दिया है और मैं इसे 3 सीटी आने तक कुक करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी 1 सीटी आ चुकी है, इसमें 2 सीटी और आना है इसमें कुकर में। हमारे 2 सीटी आ गई। ये हमारी 3 सीटी आ चुकी हैं अच्छे से। तो अब मैं अपने फ्लेम को लो कर 2 मिनट के लिए। तो देखिए, जब तक हमारी घूगनी कुक प्रेशर कुकर में है, स्टीम में है, तब तक मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ाई है। अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी, सरसों का तेल है ये। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून भर भर के तेल लिया है सरसों का। अब मैं यहाँ प्याज ऐड करूँगी। मैंने ये देखिए 3 प्याज लिया है और 4 से 5 लाल मिर्च ली है खड़ी, जो मैं इसमें फ्राई करूँगी। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। तो यहाँ हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी कुकर की स्टीम निकल चुकी है और मैं इसे अब खोल के देखती हूँ। तो देखिए, हमारी ये घुगनी तैयार हो चुकी है और ये अच्छे से हमारी गल भी चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए गल चुकी है हमारी अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी तो उसमें मैंने प्याज अच्छे से ब्राउन कर लिया था। यहाँ मैंने प्याज निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई में मैं जो तेल बचा हुआ है हमारा, उसमें ये सारी घुगनी को पलट दूंगी। फ्लेम अपना हाई रखेंगे ऐसे 2 मिनट के लिए, इसी तेल में भूनेंगे। तो फ्रेंड, यहां मैंने जो प्याज निकाला था और ये मिर्च मैंने फ्राई की थे, मैं इसे अच्छे से चूर लूंगी। इसे मैं से हाथ से इसे हम मसल लेंगे। तो अच्छे से हमारी ये प्याज और मिर्च को मैंने मसल लिया है। अब मैं इसमें इसे घुगनी में मैं इसे ऐड करूंगी।
इसे 30 सेकंड के लिए मैं इसे मिलाऊंगी अच्छे से। इसमें पानी आप अंदाज से डालना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, घुल जाएगी काफी, तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा इसमें। तो देखिए हमारे फ्रेंड, ये हमारी घुगनी बनके तैयार हो चुकी है, डिलीशियस और गर्मा गर्म। तो मैं आपकी फ्लेम को ऑफ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डिश आउट किया है और ये बहुत ही डिलीशियस और गर्मा गर्म ये घुगनी मेरी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आगे भी मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगी। तो चलती हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।